नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है सन्नी राणा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सन्नी। दोस्तों मैं लेके आपके लिए बेहतरीन टेक न्यूज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज की हमारी जो पहली टेक न्यूज निकल के आती है बहुत ही ज्यादा खास है। जो नोकिया के फोन यूज करते हैं और जिनके पास पहले करते थे और अब भी करते हैं, जो नोकिया के फैन है, जिन्होंने नोकिया के फोन यूज किया, उनके लिए खासकर दोस्तों नोकिया 106 एक जो बेस वर्जन था 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसी का ही न्यू मॉडल नोकिया 106 लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। जल्द ही यह बात नोकिया ने खुद अनाउंस किया दोस्तों। हालांकि दोस्तों यह फोन बहुत ही अच्छा है। इसकी जो नाम निकल के आता है फोन का, वो है नोकिया 106 फीचर फोन। इसका दो नाम रखा गया दोस्तों, फीचर फोन। वो मुझे पता नहीं क्यों क्यों फीचर फोन इसका नाम क्यों रखा है। क्या पता इसके अंदर आपको व्हाट्सएप यूज करने को मिले, क्या पता आप इसके अंदर कर सके फेसबुक यूज। हालांकि दोस्तों ये फोन जब लॉन्च होगा ना, तब इसके बारे में अच्छे से आपको मैं डिटेल दे पाऊंगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों अभी तक यह फोन या आउट ऑफ कंट्री या किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। हालांकि दोस्तों जब ये आउट ऑफ कंट्री के अंदर लॉन्च होगा तो जल्द ही इंडिया के अंदर भी, इंडियन मार्केट के अंदर भी लॉन्च होगा। हालांकि दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग निकल के आती है वो है 1700 रुपये, यानी कि 1700 रुपये इसकी जो प्राइसिंग हम एक्सेप्टेड कर सकते हैं, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं जो कि इसकी प्राइसिंग निकल के आती है दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है वो है रियलमी 1 और रियलमी 2 की तरफ से। फाइनल दोस्तों जिसके पास रियलमी 1 और रियलमी 2 है दोस्तों, अपडेट कीजिए एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई के अंदर। दोस्तों आपके पास रियलमी 1 है और रियलमी 2 है, तो उन्होंने फाइनली एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई अपडेट भेजा है, एंड्रॉयड वर्जन। तो दोस्तों आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, और जो फीचर्स है और कस्टमाइजेशन है उसका मजा उठा सकते हैं। क्या पता आपको अच्छे फीचर मिले, गेस्चर वगैरह, नोटिफिकेशन, सब चीज़ें, मतलब क्या पता आपका फ़ोन एक ओल्ड फोन से न्यू फोन बन जाए दोस्तों। इसी बात पे टेक्निकल सन्नी को लाइक कीजिए दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है वीवो की तरफ से। फाइनल दोस्तों वीवो का Y83 Pro या Y83 Pro कुछ भी बोलो दोस्तों, उसकी जो प्राइसिंग है डिक्रीज हुई है, यानी कि उसकी प्राइसिंग जो है घटा दी है। हालांकि दोस्तों यह प्राइसिंग पहले जो इसकी 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले की प्राइसिंग निकल के आती थी वो है 15,990 रुपये, और उस पर जो आपको प्राइसिंग डिक्रीज की है वीवो ने वो है 1000 रुपये। हालांकि दोस्तों अब जो इसकी करंट प्राइसिंग निकल के आती है वो है 13,990 रुपये। दोस्तों अब वीवो का फ़ोन परचेज करना चाहते हैं तो Y83 परचेज की दिए, प्रो परचेज किए दोस्तों, 1000 आपको इसको इसके ऊपर डिस्काउंट मिला है दोस्तों। ये कन्फर्म नहीं है ये डिस्काउंट परमानेंटली, प्राइस डिक्रीज परमानेंटली हुआ है या कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए दोस्तों। अगर आप वीवो का फोन, कोई भी फोन परचेज करना चाहते हैं तो Y83 Pro परचेज कीजिए, या आपको जो पसंद है वो फोन परचेज कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल के आता वो भी एक एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर है फाइल दोस्तों, जिसके पास मोटरोला का मोटो X4 है दोस्तों, उनके लिए एक अच्छी न्यूज है। मोटरोला ने फाइनल दोस्तों एंड्रॉयड पाई बीटा, यानी कि दोस्तों एक एंड्रॉयड 9 या पाई बोलो कुछ भी बोलो दोस्तों, अपडेट भेजा है जिसके पास मोटरोला का मोटो X4 है दोस्तों, आप उसको अपडेट कीजिए। अभी तक हालांकि ये बीटा वर्जन में अवेलेबल है, उसके बाद कन्फर्म होगा, या बीटा वर्जन के बाद कन्फर्म होगा कि ये परमानेंटली आएगा या किस हिसाब से आएगा दोस्तों। आप एंड्रॉयड मोटो X4 एक स्टॉक एंड्रॉयड फोन है, और उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल कीजिए, अपडेट कीजिए फोन को, आपको अच्छे नोटिफिकेशन और कस्टमाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल के आता है वो है होनर की तरफ से। फाइनल दोस्तों होनर 10 लाइट की जो प्री ऑर्डर बुकिंग है वो शुरू हो गई है दोस्तों। होनर 10 लाइट 21 नवंबर को लॉन्च हुआ था दोस्तों। हालांकि दोस्तों यह अभी तक इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन गूगल के ऊपर या ऑनलाइन साइट्स है जो इस फोन की बुकिंग दे रही है, यानी कि दोस्तों आप होनर 10 लाइट परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। उसमें जो प्राइसिंग है इंडिया की प्राइसिंग से आपको क्या पता ज़्यादा मिले और क्या पता आपको कम भी मिल सकती है, क्योंकि वो है ना एक ऑनलाइन साइट्स हैं जो कि आपको फ़ोन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट साइट पे अवेलेबल नहीं है अभी तक। हालांकि दोस्तों ये अभी तक इंडिया के अंदर भी लॉन्च नहीं हुआ है। वैसे आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं होनर 10 लाइट की गूगल पे जाके, और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S9 और गैलेक्सी S9 Plus की तरफ से। फाइनल दोस्तों सैमसंग के जो सुपर स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus, हालांकि दोस्तों सैमसंग ने इन दो मॉडल्स के अंदर एक न्यू कलर वेरिएंट लेकर के आया है, यानी कि दोस्तों जो कलर वेरिएंट निकल के आता वो है आइस ब्लू दोस्तों, यानी कि आइस ब्लू।
दोस्तों वैसे तो सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus काफी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। हालांकि दोस्तों यह जो कलर्स है बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है और बहुत ही ज्यादा लुकिंग वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है दोस्तों। हालांकि दोस्तों अभी तक यह कलर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं हुआ, अभी तक ये जस्ट सैमसंग ने अनाउंस किया है ये बात। हालांकि दोस्तों ये जल्द ही अवेलेबल हो गए। साथ में अगर दोस्तों हम बात करते हैं ये कलर्स किस रैम या मॉडल के अंदर आते हैं, फाइनल दोस्तों यह 128 GB स्टोरेज वाले फोन के अंदर ही मिलेंगे, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus के अंदर आपको आपके पास 128 GB वाला वेरिएंट है, तो उसके अंदर ही आपको ये दो अभी तक वेरिएंट मिलेंगे, न्यू कलर वेरिएंट। दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि दोस्तों ये जल्द ही इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट निकल के आता है फाइनल दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से, फाइनल अब अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और आपका जो डाटा है वो पेंडिंग पड़ा है, तो व्हाट्सएप ने एक बात अनाउंस किया है, जो आपका डाटा अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप पे अपना डाटा बैकअप नहीं किया तो जाइए प्लीज डाटा बैकअप कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ने एक बात अनाउंस कर दी है, क्योंकि साल के अंदर 1 ईयर के अंदर आप अपना डाटा बैकअप नहीं करते हो तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव के अंदर से डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो डाटा है वो रिस्टोर नहीं होगा अगर आप फोन चेंज करते हैं या आपका व्हाट्सएप डाउन डिलीट हो जाता है साल के अंदर। आपके पास 1 ईयर का टाइम है तो आप जाके व्हाट्सएप या इंस्टा या फेसबुक जो सा भी डाटा है, जितना भी डाटा आप उसको बैकअप कीजिए, ताकि आप अदरवाइज आपका फोन गुम हो जाए या कुछ भी लगा लो तो आप अपना जीमेल डाल के तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली न्यू फोन के अंदर आपका सारा डाटा है जो रिस्टोर हो जाएगा, आपके फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट है, SMS है, जितने भी आपका टोटली है दोस्तों। हालांकि दोस्तों यह बात गूगल गूगल के साथ इंस्टा फेसबुक 2017 के अंदर उन्होंने ये डील की थी, अगर 1 ईयर के अंदर वो अपना कोई भी आप एंड्रॉयड फोन यूजर है अपना डाटा बैकअप नहीं करते हो तो गूगल उस डाटा को रिमूव कर देगी, यानी कि आपका जो डाटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है बहुत ही ज्यादा खास है, खास होने की वजह सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन बोल सकते हैं, फोल्डेबल स्मार्टफोन बोल लो, टैबलेट बोल लो, क्योंकि दोस्तों हालांकि दोस्तों इसके बारे में कुछ अब सैमसंग ने इवेंट किया था उसमें उन्होंने कुछ डार्क लाइट के अंदर इस फोन के बारे में डिटेलिंग दी थी कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों। हालांकि वह उस टाइम दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार कैसा है, इसके बेजल कितने मोटे मोटे हैं, हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल है जो उसका नाम निकल के आता हुआ है सैमसंग गैलेक्सी F, यानी कि सैमसंग ने गैलेक्सी F सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल F कह लो जो आपका दिल करे आप उसको बोल सकते हैं, F उसका नाम रखा है दोस्तों। इसका जो एक 3D फेज या फोटो निकल के आया जिसके अंदर फाइनली शो है कि इसके अंदर आपको है ना बिल्कुल थिन बेजल देखने को मिलेंगे, यानी कि दोस्तों प्योर थिन बेजल मिलने के कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है साइड के अंदर से भी, और आप दोस्तों ये मुड़ने वाला है, यानी कि आप इसको चाहे तो एक टैबलेट की तरह बेसिस पे यूज कर सकते हैं या एक स्मार्टफोन की तरह बेसिस पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फोन ऐसे आप इसको चाहे तो फोल्ड कर लो या आप अदरवाइज कैसे भी इस फोन को एक टैबलेट की बेस में या एक स्मार्टफोन के बेस में यूज कर सकते हैं दोस्तों। सैमसंग ने एक बात और अनाउंस किया है, क्योंकि यह जो टैबलेट है यह सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन है, यह है 2019 फरवरी या जनवरी के अंदर लॉन्च हो सकता है दोस्तों। हालांकि हम काफी दिनों से वेट कर रहे हैं और जो इसकी व्यूमर्स है और जो लीक्स है वो काफी दिनों से निकल के आ रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी अब लेके आएगा, अब लेके आएगा फोल्डेबल फोन, अब लेके आएगा। हालांकि दोस्तों ये बात कंफर्म है फरवरी या जनवरी के अंदर यह फोन जल्द ही आने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं फोन कैसा होने वाला है, और जो इसकी खासकर जो इसकी डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर अभी तक टेक्निकल सन्नी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन दिया होगा उसको प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, इसका बेनिफिट होगा इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ऑटोमेटिकली आपके पास उसका अपडेट आ जाएगा। थैंक यू, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, आपको जिस फोन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ में मेरी वीडियोस कैसी लगती है उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।